गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर हमारा चल रहा है। इसकी एक्सरसाइज 10.3 पर आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कल करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। प्रूव दैट npn इक्वल टू npn माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली npn, इधर राइट हैंड साइड, दोनों साइड एक साथ लेके चले। इसका फार्मूला लगाया, ऊपर वाला फैक्टर ऊपर, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखते हैं। ये फार्मूला है इसका, इज इक्वल टू, यही फार्मूला इधर लगाया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1, ऊपर फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल 0, ऊपर फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, तो दोनों की साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। वो एक दूसरे नंबर की मल्टीप्लीकेशन में आ जाना चाहिए। जैसे कि 15p7 मैंने सोल्व किया, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, 15 माइनस 7 फैक्टोरियल नीचे है, 15 में से 7 गए, 8 बच गए, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 8। 5p5 को हमने सोल्व किया, ये फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल कितना आ गया, 10। तो मैंने 15p5 की वैल्यू को लिखा यहाँ पे, इसमें से 10 और 9 मैंने बाहर निकाल लिए, ये आ गया फैक्टोरियल 8, इसको अलग लिखा, इसकी वैल्यू है 15p7। कितनी वैल्यू है, 15p7। तो इसका मतलब 15p5 = 1/90 15p7। तो ये इस बात को शो करता है कि ये इससे डिविजिबल है। ज्यादा करता है इस 90 को धर लिया हो तो ऐसे लिख दो इसे 15p7 दो नंबर की लिखना ही डिविजिबल का प्रमाण है। इसको इससे हम डिविजिबल कह सकते हैं। दैट्स ऑल। इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।